नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित का तीसरा अध्याय एनसीईआरटी का, जिसका शीर्षक है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज समझ रहे हैं हम। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाली आकृतियाँ। हमने दोस्तों यहाँ पर निकाला ये एंगल, क्योंकि सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 में से ये घटा दिया तो हमें एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी दोस्तों यही पूछा गया है, एक्स की वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री है, और जो रैखिक युग्म एक रेखा जो बनाती है 180 डिग्री है, तो उसमें से 90 जाएगा, यानी ये वाला एंगल भी आपका 90 ही डिग्री दोस्तों हमें पता चल गया, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 360 माइनस 70 प्लस 60 प्लस 90, क्या आ जाएगा एक्स का एंगल दोस्तों, 90 60, 150, 220, 140 डिग्री दोस्तों, 140 डिग्री, सही है ना। एक बार फिर से जोड़ दूं, 90 60 150 और 50 70 220, 140 डिग्री है दोस्तों, ये आंसर सही है, आप भी चेक कर लें दोस्तों। यहाँ देखें, इसको निकालें, यहाँ पे क्या कह रहा है, चतुर्भुज तो है दोस्तों, ये दोनों ही एंगल बराबर इसने बोल रखे हैं, ये जानते हैं आप कि ये रेखा है, तो अंदर वाले कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाले 180 में से 120 ये हो जाएगा, 110 ये हो जाएगा, है ना दोस्तों, दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए, 60 ये है तो 120 और 60 80, 70 ये है तो 170, 110 और 70 180। अब दोस्तों कर दीजिए इसको, त्रिभुज के चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना है, 30 प्लस 110 प्लस 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं इसमें दोस्तों, इसमें 5 भुजाएं हैं, 110 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 भुजाओं का कितना योग होता है, 540 डिग्री, कितना आ गया दोस्तों, इनको जोड़ लें आप, 140 और 120 260, 2x प्लस 260 इक्वल टू 540, 2x इक्वल टू 540 में से 260 घटा दिए दोस्तों आप, 200 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 340, 60 और घटाएंगे 280, x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 280 बटे 2, 140 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 140 ये है और 140 ये भी, दोनों बराबर है ना। यहाँ दोस्तों देखो, इस वाले क्वेश्चन कर देते, ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं देखो बराबर दी हुई है, सारी भुजाएं बराबर है इसलिए सारे एंगल भी बराबर दोस्तों। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 5, 5 है ना दोस्तों, त्रिभुज में 180 डिग्री, चतुर्भुज में 360, तो ये पंचभुज है, इसके कोण का योग 540 डिग्री होगा, 1 2 3 4 5, सारे एक्स जोड़ देंगे तो 540 डिग्री आना चाहिए, एक्स दोस्तों कितना आ जाएगा, 540 में 5 का आप भाग देंगे, दोस्तों ये निकालेंगे तो आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, धन्यवाद।